2015 भी सोलो एग्जीबिशन है और ये मैंने पिछले चार साल पहले सन 2014 में मैंने एक एग्जीबिशन की थी, उसके बाद से ये चार साल का काम है जिसका टाइटल है मूड्स ऑफ कलर। इसमें ज़्यादातर मेरा जो काम है 99% फिगरेटिव है और फीमेल फिगरेटिव, फीमेल की ब्यूटी और उसके ड्रेसेस ज्वेलरीज वो पेंट करना मेरा पैशन है। और इसमें ज़्यादातर मेरा काम जो है ना इंप्रेशनिज्म में है, कुछ रियलिस्टिक भी है और कुछ पेन एंड ड्राइंग कैनवस पे भी किया है। तो इसमें मेरी मोस्टली जो कोशिश ये होती है कि ख्वातीन के जो ओढ़ने बैठने और उनके जो कल्चर इवेंट हैं, चाहे वो ड्रेसेस के हवाले से हों, ज्वेलरी के हवाले से हों, या आपस में एक दूसरे से दोस्ती के हवाले से हों, फीमेल फीमेल की जो आपस में दोस्ती होती है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, तो वो इवेंट वो लम्हों को मैं पेंट करता हूँ। और खूबसूरती दिखाना, ब्यूटी दिखाना ये मेरा पैशन है। खासकर मेरी पेंटिंग में बैकग्राउंड में टेक्चर पे मबनी होती है, टेक्चर और डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मैं लाइन के ज़रिए करता हूँ और जिसकी वजह से पेंटिंग में एक नया लुक नज़र आता है। तो मोस्टली मेरा ख्याल मेरे हिसाब से ये है कि पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले ड्राइंग की बड़ी ज़रूरत होती है और मेरा सारा कंसंट्रेशन ना ड्राइंग पे होता है। ड्राइंग के बाद फिर कलर एप्लीकेशन है जो कि मूड के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा कलर किस टाइम आएगा, क्योंकि मैं लाइव पेंट करता हूँ और उसके बाद फिर उसमें जो कलर जो मैं इंसर्ट करता हूँ वो मेरे अंदर जो हावी कलर हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो डोमिनेट है मेरे अंदर कलर, वो मैं उसमें इंसर्ट करके और पेंटिंग को उजागर करने की कोशिश करता हूँ। पहले की बनिस्बत बायर्स में काफ़ी बायर्स पैदा हुए हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैलरीज वजूद में आई। जैसे मैं ये समंदार आर्ट गैलरी में कर रहा हूँ, ये भी मेरी ही पेंटिंग से इन्होंने ओपनिंग की है, इस गैलरी का इफ्तिताह किया है। तो देखा जाए तो जितनी गैलरी बन रही हैं उसी हिसाब से आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और बायर्स भी पैदा हो रहे हैं। और बायर्स जो है ना क्या कहते हैं, पेंटिंग एक वैल्यूबल चीज़ है, आपको पता होगा कि पेंटिंग्स का कोई सानी नहीं है। पोस्टर और फोटोग्राफ तो लोग घर में लगाते हैं लेकिन पेंटिंग मेरे ख्याल में, मेरा तो यह है कि जब मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ वो कराची में एक होती है, पाकिस्तान में एक होगी और वर्ल्ड में एक होती है। तो इस वजह से पेंटिंग वैल्यूबल है और आर्टिस्ट का काम उसकी थॉट को देखते हुए बायर्स क्या कहते हैं उस पेंटिंग को अपने दीवारों की जीनत बनाता है, उससे इंजॉय करता है। पेंटिंग के बारे में मेरा यह है कि पेंटिंग एक बेसिकली पीसफुल अमल है और इसको पेंट करते वक्त एक चीज़ का जहन में ये आता है कि आपको एक रोमांटिसिज्म में ले जाता है, एक कलरों की दुनिया में ले जाता है, जिससे आपके अंदर जो एक तगैर होता है यानी कि उर्ताश होता है उसको वो बैलेंस करके आपके अंदर एक हारमोनी पैदा करता है और आपको एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि पेंटिंग जब आप बनती है और वो किसी गैलरी की जीनत बनती है तो बायर और व्यूअर उसको पसंद करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, अपने घरों की दीवारों पे लगाते हैं और पेंटिंग साल साल उनको क्या कहते हैं रिटर्न देती है, एक पीस की तरह पीस के लेवल को वो मेंटेन करती है और लव को लेवल को मेंटेन करती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में आर्ट और फनून ना हो तो दुनिया बड़ी बेरंग हो, लेकिन इन रंगों की वजह से, इन लाइन की वजह से एक हुसन है इस कायनात में जो कुदरत ने आर्टिस्ट के अंदर पैदा किया होता है। अभी जो सिंध असम्बली की न्यू बिल्डिंग है इसके लिए मुझे 10x6 फिट के एक मिरल कायद अजम का कमीशन किया था जो कि सिंध असम्बली के स्पीकर के पीछे लगी हुई थी, जो अक्सर देखने को मिलता है, जो कि मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। इसके अलावा मैंने ब्रुनाई के रॉयल फैमिली बादशाह के ना पूरी फैमिली के पोर्ट्रेट किए हैं जो कि 350 दुनिया के आर्टिस्टों में से मेरे काम को उन्होंने सेलेक्ट किया और बाकायदा क्या कहते हैं वो पूरे शहजादे शहजादियों की पोर्ट्रेट्स बने और जो कि महल में आवेज़ा हैं।